सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जितने भी एसएससी ईडी वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म अपनी फिल की थी उनके लिए एक स्टेटस अपडेट आया है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल की थी वो अपने स्टेटस जरूर जाकर चेक कर लें कि उनकी फॉर्म रिजेक्ट हुई है या फिर उनकी फॉर्म अप्रूव हो गई है, उन्होंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की थी। तो गाइज़ सारे स्टेट्स का आपका आ चुका है, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्टेट्स का अभी नहीं ओपन हुआ है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि आपको किन स्टेट्स का ओपन हुआ है और आप कैसे अपनी स्टेटस चेक कर सकते हो, और आपका स्टेट का जब ओपन नहीं हुआ है तो वो कब तक ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जो है, आप अगर ऑफिसर साइट पे जाते हो तो वहाँ भी लॉगिन करके चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इजी वे बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले चले जाना है सिंपली जो आपको है सरकारी दल साइट जो है उस पर चले जाना है। उस पर आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको जो है सेकेंड नंबर पर दिख जाएगा SSC GD कॉन्स्टेबल 2021 फॉर्म स्टेटस, तो इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करते करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपको दोपहर में आज ही आया है, आज से ये स्टेटस आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अपनी अपनी स्टेटस आप जाके जरूर चेक कर लें। अगर आपका स्टेट का ओपन हो चुका है तो आप चेक कर लें, अदरवाइज़ एक दो दिन का वेट कीजिएगा, आपके स्टेट का भी ओपन हो जाएगा अगर अभी ओपन नहीं हुआ है तो। तो सबसे पहले तो आप सबसे नीचे जाइएगा, आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जैसे नीचे जाते हो तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इस सेक्शन में दिखेगा आपको कैंडिडेट स्टेट नेम। तो यहाँ पे उन सभी का स्टेट लिखा है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी लिंक पे आपको क्लिक करनी है। तो अगर आप यूपी और बिहार से हो तो आपकी ओपन हो चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आपको और अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो अदर स्टेट की अभी ओपन नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार की ही ओपन हुई है, अदर देन किसी स्टेट की जो है वो ओपन अभी नहीं हुई है। लिंक वहाँ पर अभी लिखा आ रहा होगा अवेलेबल सून। अगर आपको और भी ट्यूटोरियल चाहिए तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल दिया गया है कि हाउ टू चेक फॉर्म स्टेटस, अदरवाइज मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करनी है। आप अगर नीचे जाते हो और आपकी अगर मान लीजिए अगर आप राजस्थान से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, तो अभी आपकी ओपन नहीं हुई है। ये सेकंड में यहाँ पे देखते हो राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इनके भी यहाँ पे लिख रही है अवेलेबल सून लिखा के आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी अवेलेबल सून आ रहा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम, इन सभी का भी अवेलेबल सून आ रहा है। तो इन सभी का भी ओपन नहीं हुआ है अभी, स्टेटस चेक करना। बाकी आप देखते हो किसी का भी अभी ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी यूपी और बिहार की ओपन हुई है, अदर देन दीज स्टेट्स किसी भी स्टेट्स का ओपन अभी नहीं हुआ है लिंक। तो एक दो दिन के अंदर वो भी लिंक ओपन हो जाएगी, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली वेट करना है, यहीं पे आके आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी ओपन हो चुकी है तो आप अभी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अब चेक कैसे करना है तो वो भी बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो आपको ये लिंक दिख रहा होगा आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से, वन सेकंड, ये थोड़ा सा साइड स्लो है। तो गाइज़ अगर ये आपका मोबाइल में ओपन नहीं होता तो आप डेस्कटॉप की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है मेनली काफ़ी बार जो है ये सब साइट जो है मोबाइल में ओपन नहीं होती। अगर मोबाइल में ओपन नहीं होती तो आप ये डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हो, तो आपको ये मोबाइल में सिंपली ओपन हो जाएगा। अगर नॉर्मली ओपन नहीं होता है तो आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा, डेस्कटॉप साइट करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। साइट भले ही थोड़ा स्लो होगी क्योंकि SSC की साइट जनरली स्लो ही होती है। तो आप देखिए जैसे मैंने डेस्कटॉप साइट किया, ये ओपन हो चुका है। डेस्कटॉप साइट करने के लिए आपको ये थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर जाके इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है, तो आपका ये मोबाइल में ही ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप किसी फ्रेंड्स का डेस्कटॉप ले लीजिएगा, या फिर आप एक दो बार मोबाइल में ट्राई कीजिएगा, आपका ट्राई हो ही जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपकी डिटेल है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी, जो आपने फॉर्म फिल करी थी उस समय आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ये आपको कैप्चा टाइप का फिल करना है यहाँ पे। तो कैप्चा में आपको करना क्या है, 5+9 जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, तो कैप्चा यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा 14 लिख दीजिएगा। तो कैप्चा इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कैप्चा आएगा, तो कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद आप जैसे डिटेल फिल कर लेते हो तो आपको यहाँ पर सर्च करना है। अगर आप इस डिटेल से सर्च नहीं कर पाते हो तो आपको नीचे में सेकंड ऑप्शन मिला है। सेकंड ऑप्शन में आपको क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली लिखा गया है कि आपकी नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी फर्स्ट सिटी चॉइस क्या थी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना है कैप्चा, और फिर सर्च कर लेना है, तो आपको मिल जाएगी, आपकी सर्च हो जाएगी। फिलहाल तो मेरे पास किसी भी झारखंड, सॉरी, किसी भी बिहार या फिर यूपी वाले कैंडिडेट्स का नहीं है, तो मैं अभी सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे भी, जैसे अगर झारखंड की आती है तो मेरे पास काफ़ी सारे झारखंड कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं वहाँ पर चेक करके आपको वो भी दिखा दूंगा। तो फिलहाल तो इतनी ही अपडेट थी, और जैसे ही बाकी स्टेट्स को ओपन होता है मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।